तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि WhatsApp को लैपटॉप में कैसे चलाएं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर हम WhatsApp को कैसे लैपटॉप में डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें और कैसे चलाएं, और ये भी पूछते रहते हैं कि सर मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ उसमें प्रोफेशनल तरीके से बताया नहीं रहता है कि कैसे हम मोबाइल से लैपटॉप में WhatsApp को कनेक्ट करेंगे और कैसे सेटिंग करके अपने WhatsApp को मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि मैं जितने फ्रेंड हैं जो भी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि कैसे WhatsApp को लैपटॉप पर चलाना है, तो उस सब को सोल्यूशन मैं सोचा इसकी एक वीडियो बना के बता दूँ कि किस तरीके से डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे इसको मोबाइल के थ्रू उसमें कनेक्ट करें लैपटॉप में अपने WhatsApp को। तो इसी पे मैं सोचा कि प्रोफेशनल तरीके से एक वीडियो बता दूँ ताकि मेरे जितने फ्रेंड है सब आराम से और आसानी तरीके से WhatsApp को अपने लैपटॉप पे चला सके। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने WhatsApp पे डाउनलोड करेंगे, WhatsApp को इंस्टॉल करेंगे और इसके प्रोफेशनली तरीके से उसको कैसे अपने WhatsApp को लैपटॉप पे चलाएंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। तो WhatsApp को लैपटॉप में चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप अपने ब्राउजर में टाइपिंग कर दीजिएगा whatsapp.com/download। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, इसका ये ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक और विंडो पीसी, तो सिंपली हम लैपटॉप के लिए कर रहे हैं तो सिंपली हमको डाउनलोड पीसी के लिए करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ देख रहे हैं कि डाउनलोड फॉर विंडो 64 बिट। तो सिंपली हमको क्या करना है, पहले डाउनलोड करना है, इसके बाद इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड वाले देख रहे हैं डाउनलोड फॉर विंडो 64 बिट। तो सिंपली हमको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा जो प्रोसेसिंग यहाँ देख रहे हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और ये देख रहे हैं कि 163 MB का है। तो इसको डाउनलोड हम होने देते हैं, डाउनलोड होता है तो मैं बताता हूँ कि इसको कैसे आपको इंस्टॉल करना है, या आप यहां से भी डाउनलोड पर ऑप्शन पर जाके ओके कीजिएगा तो आपके सामने फिर भी यही ओपन होके आ जाएगा। यहां पर देख रहे हैं कि मेरा ये 93 डाउनलोड हो चुका है। चलिए डाउनलोड होता है तो मैं इसको आपको इंस्टॉल करके बताता हूं। तो आप देख रहे हैं कि मेरा यहां पर डाउनलोड हो गया, चलिए मैं यहां से इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है, से आपका ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, देख रहे हैं इंस्टॉलेशन ये स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के बाद ये आपके डेस्कटॉप पर जाके ये जो आपका WhatsApp है ये इंस्टॉल होगा। को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस शो होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ये इसका सर्चिंग होना स्टार्ट हो गया है और मैं इसको ओपन होने देता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये इसका ऑप्शन आ चुका है, आप इसको बार कोड को यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ओपन WhatsApp मतलब ऑन योर फोन, मतलब आपका जो फ़ोन में WhatsApp इसको पहले ओपन कीजिए, उसके बाद मेनू में जाना है, सेटिंग में जाना है और WhatsApp जो वेब है उसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन है पॉइंट योर फोन स्क्रीन कैप्चर टू कोड, तो आपको कह रहा है कि ये फ़ोन को इसको यहाँ पर ला के इसको कैप्चर कराना है। चलिए मैं अपने मोबाइल पर आ जाता हूँ, मोबाइल पर आने के बाद मैं इसको स्कैन करता हूँ, पहले WhatsApp को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ पर ऊपर पर देखेंगे 3 डॉट है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन के आकर के आइए ऊपर से, तो यहाँ 3 नंबर में देखिएगा WhatsApp वेब, अब इसको क्या करना है आपको ओपन कर ओके करना है। ओके करके बाद इसको ओपन कर लेना है और अब जहाँ भी आपका जो बार कोड है उसको ले जाकर इसको स्कैन करना है। चलिए मैं अपने लैपटॉप पर आ जाता हूँ और इसको मैं स्कैन करा लेता हूँ। देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ले चुका है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे मैं कनेक्ट किया हूँ इसको अपना लैपटॉप को अपने फ़ोन से, तो ये कुछ ये ओपन होकर इस तरीके से आ रहा है। इसके बाद यहाँ से जाके आप और भी इसका फंक्शन देख सकते हो, जो भी आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहेगा वो पूरा के पूरा आपके यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद इसको जहाँ अब इससे अगर बात करना चाहे तो इसको आप बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए मैं इसको इससे बात करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको ओके करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसे हाई करके, मैं यहाँ पे इसे इसको ओके करूँगा तो इसको देखिए मैसेज ये ऑलरेडी यहाँ चला गया है। तो इसी तरह से आप इसको आप यहाँ से बात कर सकते हैं, आप इस पर बात कीजिएगा तो आपको जो मोबाइल फ़ोन है उस पर भी आपका शो होगा, और मोबाइल फ़ोन से बात कीजिएगा तो ये इस पर भी आपका शो होगा। और मैं एक बात बता दूं कि जैसे इसको इंस्टॉलिंग कीजिएगा तो पहले आपको जो मैसेज है आपको उसको रीड कर लेना है, तो आपको जैसे बहुत जल्दी ये स्कैन हो जाएगा, जैसे मेरा ऑलरेडी तुरंत ये स्कैन हो गया है। अगर आपके पास कोई मैसेज आया हुआ रहे तो उसको रीड कर लीजिएगा तो ये थोड़ा फास्ट में ये आपका स्कैन ले लेगा, नहीं थोड़ा वक्त लगेगा मगर होगा ज़रूर, मगर स्कैन आप जो मैसेज आया हुआ उसको रीड कर लीजिएगा तो बहुत ही फास्ट ये स्कैन हो जाएगा, जैसे मैं इसको बार कोड को स्कैन करके मैं अभी आपको दिखाया हूँ। और इसी तरीके से आप यहां से इसको चैट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई मैसेज अगर आता भी है तो सिंपली आपको यहां ही शो करेगा और आपके जो मोबाइल है उस पर भी शो करेगा।
और यहाँ से आप बहुत ही इजीली और प्रॉपर तरीके से आप इससे बात कर सकते हो और आप मोबाइल फ़ोन से भी बात कर सकते हो, दोनों पर एक दूसरे पर शो होगा। इसका एक माइनस पॉइंट भी है, जिसका ये व्हाट्सअप आप यूज कर रहे हैं, अगर कोई अगर पर्सन है जो आपका व्हाट्सअप अगर वो अगर चलाता है, अगर आप अपना मोबाइल उसको दे दिए, अगर वो है उसको जो हैंग करना चाहता है, मतलब उसको आप कोई भी सामान को जो हैक करता है, उसका हैक अगर करता है, तो वो सिंपली कुछ देर के लिए जो हैकर है आपको मोबाइल को कुछ देर के लिए लेगा। इसके बाद ये अपना जो आपका व्हाट्सअप है इसको थोड़ा ये क्या करेगा, लॉग आउट कर देगा और आपका जो है वो इसके में डाउनलोड करके ये स्कैन करा देगा, तो वो उसका जो आप वाला जो व्हाट्सअप है वो जो हैकर है उसके लैपटॉप में जो आपका व्हाट्सअप है वो चलने लगेगा, और आप जो आपके पास जो भी मैसेज आएगा, जो भी आपका जो हैकर है वो आपको हैक किया हुआ है, स्कैन किया हुआ है अपने लैपटॉप पे, तो आपके पास जो मैसेज आएगा वो उसके भी मोबाइल पे जो लैपटॉप है उस पर भी आएगा। तो आप सावधान रहे, अगर कोई ऐसा काम करता है हैकिंग वगैरह का तो उसको आप अपना मोबाइल नहीं दें, नहीं तो आप कुछ देर के लिए आपका मोबाइल लेगा और वो अपने लॉग आउट करके आपका जो इंस्टॉल कर लेगा और आपका जो स्कैन करा के आपका जो लैपटॉप है वो अपने लैपटॉप पे, आपका जो मोबाइल पे जो लैपटॉप और व्हाट्सअप है वो अपने लैपटॉप पे आपका व्हाट्सअप यूज करना शुरू कर देगा। तो ऐसे आदमी से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे कोई आदमी को मोबाइल नहीं दीजिए जिससे वो आपका व्हाट्सअप अपने लैपटॉप पे जो स्कैन करा के यूज करे और आपका जो मैसेज का कोई भी जो प्राइवेसी है उसको देखें। तो ऐसा कोई पर्सन को आपको जो है मोबाइल नहीं देना है, और नहीं तो आप पूरे फंस सकते हैं, तो इसके लिए सावधान रहिए। तो थोड़ा यही थोड़ा इसमें जो है नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका मोबाइल हैक हुआ है या नहीं, तो मैं वो आपको अगले वीडियो में मैं वो आपको डिटेल से बताऊँगा कि आपका मोबाइल हैक हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो वो भी मैं आपको दिखला दूँगा, अगर हुआ है तो वो भी मैं आपको दिखला दूँगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, और मेरा अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से नया नया और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल के बटन को भी प्रेस कर लीजिए। गाइज, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम व्हाट्सअप को लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसको प्रोफेशनली तरीके से कैसे चलाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।